कि आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। एक लंबे समय के बाद सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन कई महीनों से जेल में थे और अब उन्हें जमानत मिल गई है। एक एक करके आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो बाहर आ रहे हैं और इसी फहरिस्त में एक और नाम शामिल हो गया है, शुमार हो गया है। सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी गई है। एक लंबे अरसे से जेल में थे सत्येंद्र जैन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद थे सत्येंद्र जैन और एक लंबे अरसे के बाद सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है। इससे पहले सत्येंद्र जैन की तरफ से कई बार जमानत की अर्जी डाली गई पीएमएलए कोर्ट में, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। और इसी बीच ये बड़ी खबर मिल रही है, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। सहयोगी सुमित इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। सुमित, एक लंबे समय से प्रयास सत्येंद्र जैन की तरफ से हो रहा था, क्या आधार रखा गया इस जमानत का? देखिए, मई 2022 से सत्येंद्र जैन जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद थे और इस आधार पर कोर्ट ने जमानत दे दी है कि इस मामले में ट्रायल अभी पूरा हुआ नहीं है और ये अभी ट्रायल में और लंबा वक्त लग सकता है। इस लिहाज से करीब करीब 2 साल से भी अधिक समय तक जेल में रहने के आधार पर राउजविनी कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। चूंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है, कहीं ना कहीं उसी धारणा के आधार पर तमाम अदालतें जो हैं वो चाहे शराब घोटाला हो चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, उसमें लगातार अदालतें जो हैं वो जमानत देती आई हैं। और यही वजह रही है कि सत्येंद्र जैन को करीब 2 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद राउजविनी कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। ये दूसरी दफा है सिखा जब सत्येंद्र जैन ने जमानत याचिका राउजविनी कोर्ट में लगाई थी, क्योंकि इससे पहले राउजविनी कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उनकी याचिका खारिज हो गई थी। हाल ही में उन्हें एक साल तक करीब अंतरिम जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिली थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत जो है वो एक तरह से कैंसिल कर दी थी, यानी कि नियमित जो अंतरिम जमानत थी वो कैंसिल करते हुए उन नियमित जमानत को खारिज कर दिया गया था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है।